अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं कुछ स्पेशल आप लोगों को बताना चाहूँगा। जो भी लोग मुंबई के हैं और स्पेशल वो यूएई में रहते हैं, यूएई से मुंबई आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ अपडेट है कि मुंबई गवर्नमेंट ने यह कह दिया है कोविड-19 मुंबई टू लिफ्ट लॉकडाउन बाई एंड ऑफ फरवरी। यानी ये जो फरवरी का मंथ है इसके एंड में लास्ट में मुंबई के गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम लॉकडाउन का जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सारी चीज़ें हम खत्म कर देंगे। द लास्ट वीक द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस रिलैक्सेशन इन रिस्ट्रिक्शन इन मुंबई फॉलोइंग अ डेडलाइन इन केसेस। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेवल के बारे में, रिस्ट्रिक्शन के बारे में, क्वारंटाइन के बारे में, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। फ्लाइट के बारे में बताऊंगा, फ्लाइट कब चालू होगी, फ्लाइट नहीं चालू होगी, क्या जो भी लोग मुंबई आते हैं उनके लिए क्वारंटाइन होगा नहीं होगा, पीसीआर का टेस्ट करवाना होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो कहा यह गया है कि नाइट कर्फ्यू वो भी जो है कि ख़त्म कर दिया जाएगा। रेस्टोरेंट और थिएटर्स आर अलाउड टू ऑपरेट विद द यूजुअल टाइमिंग बट 50% कैपेसिटी। ये थिएटर्स, सिनेमास और जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं ये 50% के साथ ओपन हो जाएगा। स्विमिंग पूल्स एंड वाटर पार्क आर टू ओपन बट विथ सिमिलर कैपेसिटी लिमिटेशन। स्विमिंग पूल और वाटर पार्क जो है, ये गार्डन्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। और यहाँ पे जो कहा यह क्या है दोस्तों, लोकल टूरिस्ट स्पोर्ट्स एंड वीकली बाजार्स आर ऑल्सो अलाउड टू रिमेन ओपन एज पर द नॉर्मल टाइमिंग सेट गवर्नमेंट रिवाइज ऑर्डर। यानी जो लोकल टूरिस्ट प्लेसेस हैं और बाजार्स हैं, ये सारी चीज़ें वीकली के नॉर्मल टाइमिंग पे ओपन होंगी और बंद होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो फ्लाइट के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है गवर्नमेंट ऑफ मुंबई की तरफ से कि पीसीआर का टेस्ट के बारे में करवाना होगा नहीं होगा, क्वारंटाइन करवाना होगा, यानी इंटरनेशनल जो कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके लिए भी कोई न्यूज़ नहीं आई है। कोई अपडेट आती है तो हम ज़रूर आपको बताएंगे।